हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉच अवर प्लैनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी को जिसका नाम है स्पीक, जिसे 2004 में रिलीज किया गया था। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 7.2 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक 14 साल की बंदी को देखते हैं जिसका नाम मेलिंडा होता है और वो अपने लिप्स पर लिपस्टिक से स्टैचेस की तरह लाइन ड्रॉ कर रही होती है। फिर उसकी मॉम वहां पर आती है और उसे इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम मेलिंडा को स्कूल बस में देखते हैं और उसके पास एक लड़की जिसका नाम हीदर होता है वो आकर बैठ जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बाद स्कूल पहुंचकर हमें पता चलता है ये हाई स्कूल में है, लेकिन इसे देखकर लगता है हैंग आउट करने के लिए उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। फिर क्लास में लेट आने की वजह से हिस्ट्री के टीचर से उसे डांट पड़ती है। इसके बाद मेलिंडा लैब में आती है। फिर उसका टीचर उसे उसके पार्टनर डेब के साथ ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है मेलिंडा की लास्ट ईयर एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम रकेल था, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप ब्रेक क्यों हुई इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर मूवी का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मेलिंडा अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय कर रही होती है। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और वो अपनी इंग्लिश टीचर का एक कार्टून ड्रॉ कर रही होती है। फिर वो लंच करने के लिए कैंटीन में आती है, लेकिन कोई उस पर खाना फेंक देता है। मेलिंडा वहां से भाग जाती है। इसके बाद मूवी फिर से फ्लैशबैक में स्टार्ट हो जाती है जहां पर हम देखते हैं मेलिंडा एक हाउस पार्टी में है और उसके बाल और कपड़े बहुत ज्यादा खराब हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर वो कॉल करती है और कुछ टाइम बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। फिर पुलिस सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है और रकेल मेलिंडा को पुलिस को कॉल करने के लिए थप्पड़ मार देती है। इसी इंसिडेंट के बाद से इन दोनों की फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई थी। ये लास्ट ईयर की बात होती है। इसके बाद मेलिंडा आर्ट क्लास में होती है और वो टीचर से कहती है उसे ट्री ड्रा करना नहीं आता, जिसे सुनकर आर्ट टीचर उसे ट्री ड्रा करने के लिए बोर्ड पर इन्वाइट करता है। इसके बाद वहाँ पर हिस्ट्री टीचर डिबेट छोड़कर पढ़ाने लगता है, लेकिन डेब खड़ा हो जाता है। वो कहता है आप डिबेट को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। टीचर उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो क्लास छोड़कर चला जाता है। इसके बाद फिर से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं मेलिंडा उसी पार्टी में एक लड़के के साथ डांस कर रही है। उस लड़के का नाम एंडी होता है। एंडी उसे किस करता है। फिर प्रेजेंट टाइम में मेलिंडा को स्कूल में एक सीक्रेट रूम दिखता है। वो उस रूम के अंदर आ जाती है। फिर हम देखते हैं लैब में मेलिंडा और डेब मिलकर प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। फिर मेलिंडा प्रैक्टिकल में यूज होने वाले एप्पल को उठाकर देखती है और वो अपने बचपन में खो जाती है और वो उस एप्पल को खाने लगती है, जिसे देखकर डेव कहता है तुमने ये क्या किया, हमें इस एप्पल की ज़रूरत थी। फिर हम देखते हैं मेलिंडा उसी रूम में जाकर लाइट्स का अरेंजमेंट करती है। इसके बाद हम देखते हैं एंडी आकर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। मेलिंडा उसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। एंडी बाकी लड़कियों से कहता है इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर सारी लड़कियां कहती हैं वो बहुत ही अजीब है। इसके बाद मेलिंडा फिर उसी सीक्रेट रूम में आती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है उस हाउस पार्टी में एंडी ने मेलिंडा का रेप किया था। इसी वजह से मेलिंडा काफी साइलेंट रहती है। उस इंसिडेंट ने एक 14 साल की टीनेजर लड़की को बहुत ही साइलेंट कर दिया था, लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में उसने आज तक किसी को नहीं बताया। वो अंदर ही अंदर अपने आप में बहुत परेशान रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं वो लैब में एक फ्रॉक के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और डेब उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम कैंटीन में उसे हीदर के साथ देखते हैं। हीदर उससे कहती है मुझे पता नहीं था तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम बहुत ही अजीब हो, मैं इस स्कूल में न्यू ज्वाइन हुई थी। और वो भी उसके साथ हैंग आउट करने से मना कर देती है। इसके बाद मेलिंडा के पेरेंट्स भी उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर बहुत अपसेट होते हैं। वो मेलिंडा को उसके हिस्ट्री टीचर से मिलकर ग्रेड चेंज करने की एडवाइस देते हैं। हिस्ट्री टीचर मेलिंडा से एक ऐसे लिखकर लाने को कहता है और उसे सबके सामने सुनाने को कहता है। फिर मेलिंडा डेब से हेल्प मांगती है और डेब मेलिंडा के बदले उसका लिखा हुआ ऐसे सबके सामने पढ़ने लगता है, लेकिन टीचर को ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन मेलिंडा उसकी बात नहीं सुनती और वो टीचर प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेंट कर देता है। इसके बाद हम मेलिंडा को आर्ट रूम में देखते हैं और वहाँ पर वो स्क्रैच कर रही होती है। फिर पीछे से वहाँ पर एंडी आ जाता है। एक्चुअल में एंडी इस टाइम मेलिंडा की बेस्ट फ्रेंड रकेल को डेट कर रहा है। वो उससे रकेल के बारे में पूछता है। उसकी आवाज़ सुनकर मेलिंडा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कुछ नहीं बोलती। वो उसके करीब आने लगता है, तभी पीछे से रकेल आ जाती है और वो एंडी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंडी कहता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम्हारी फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। इस पर रकेल गुस्सा हो जाती है और वो एंडी से कहती है वो मेरी फ्रेंड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मेलिंडा घर आकर अपने कबर्ड में छुपकर बहुत जोर से चिल्लाती है।
फिर अगले दिन हम देखते हैं हीदर मेलिंडा के घर पर आकर कहती है क्या वो उससे फिर से दोस्ती कर सकती है। एक्चुअल में जिन लड़कियों की बातें सुनकर हीदर ने मेलिंडा से फ्रेंडशिप तोड़ी थी वो लड़कियाँ हीदर को एक पेट की तरह ट्रीट करती थी, इसलिए हीदर चाहती है मेलिंडा उससे फिर से दोस्ती कर ले। लेकिन मेलिंडा उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने तुमसे दोस्ती की, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, और वो उसे घर से जाने के लिए कहती है। मेलिंडा की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। अगले दिन मेलिंडा डिसाइड करती है कि वो रकील को सब कुछ बता देगी। फिर वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं, तब रकील मेलिंडा से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर मेलिंडा एक पेपर पर रेप वर्ड लिखती है, फिर रकील उसे बाहर लेकर आती है और उसे कहती है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर मेलिंडा रिप्लाई करती है पुलिस के आने पर सब लोग घबरा गए थे और मैं किसी को कुछ भी नहीं बता पाई। इसके बाद रकील पूछती है तुम्हारे साथ किसने रेप किया। फिर मेलिंडा एंडी का नाम लेती है। एंडी का नाम सुनते ही रकील मेलिंडा पर चिल्लाने लगती है, वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें जेलेसी हो रही है, मैं बहुत पॉपुलर हो गई हूँ और एंडी के साथ प्रॉम पर जाने वाली हूँ, इसी वजह से तुम ये सब नाटक कर रही हो। फिर रकील वहाँ से चली जाती है, लेकिन मेलिंडा की बात उसे कहीं ना कहीं सही लग रही थी और वो एंडी से पूछती है तुम मेलिंडा को कैसे जानते हो और मैंने उस दिन भी तुम्हें मेलिंडा से बात करते हुए देखा था, तुम मेरे बारे में उससे क्यों पूछ रहे थे, तुम्हें कैसे पता वो मेरी फ्रेंड थी। इस पर एंडी कोई जवाब नहीं दे पाता और रकील को सुनाकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डेव मेलिंडा को उसके साथ प्रॉम पर चलने के लिए पूछता है और उससे अपनी स्क्रैप बुक फिल करवाता है। इसके बाद मेलिंडा उस सीक्रेट रूम में होती है और वहाँ पर आर्ट टीचर भी होते हैं और मेलिंडा की स्केच को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर मेलिंडा उनके जाने के बाद फिर से स्केच करने लगती है, तभी पीछे से एंडी आ जाता है और वो मेलिंडा से पूछता है तुमने रकील को क्या बताया। वो कहता है तुझमें ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारा रेप करूंगा, तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो। फिर वो मेलिंडा से सबके सामने ये कहने के लिए कहता है कि उसने जो भी इल्ज़ाम उस पर लगाए हैं वो सारे गलत हैं। वो फिर से मेलिंडा का रेप करने की कोशिश करता है, तब मेलिंडा उसकी आंखों में एक केमिकल फेंक देती है जिसकी वजह से एंडी की आंखें जलने लगती हैं। तभी कुछ स्टूडेंट को उस रूम से आवाज़ें आती हैं, सभी स्टूडेंट्स मिलकर उस रूम का डोर ओपन करते हैं, तब मेलिंडा ने एंडी की गर्दन पर एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। सब समझ जाते हैं कि एंडी मेलिंडा के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि रकील ने स्कूल में सभी लोगों को बता दिया था कि उस दिन हाउस पार्टी में एंडी ने मेलिंडा का रेप किया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मेलिंडा की मॉम उससे कहती है तुमने इतने दिनों से हम लोगों को कुछ क्यों नहीं बताया। फिर वो मेलिंडा से रेप के इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन मेलिंडा कहती है मैं बताना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। फिर वो अपनी मॉम को सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।